हे गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये देखिए, आज मैं बनाऊंगी चिकन बिरयानी, जिसके लिए मैंने प्याज को अच्छी कट कर लिया है रफली चॉप, और इसे हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इस ऑनियन का यूज हम बिरयानी के ऊपर डालने के लिए करेंगे। तो देखिए, चलिए अब इसे फ्राई करते हैं, और जब इस तरह का कलर आ जाए तो इसे आप निकाल ले टिश्यू पेपर पर या पेपर पर, और इसे फैला कर रख दे ताकि ये कुरकुरा हो जाए, इसका सारा ऑयल उस पेपर में चला जाए और ये बिल्कुल करारी हो जाए प्याज। और थोड़े से काजू और किशमिश को हम फ्राई कर लेंगे और इसको ऊपर से गार्निश करेंगे। ये देखिए, मैं इसको निकाल लूँगी, काजू और किशमिश को। ये मैंने 10 किशमिश, 10 या 15 मैंने डाला होगा। अब चिकन के लिए पेस्ट बना लेंगे। ये छोटा ऑनियन आता है, केरला में बहुत मिलता है, इसे सांभर में यूज किया जाता है और बहुत सारे डिशों में इधर डालते हैं लोग, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पहले मुझे भी लगा कि क्या है इसमें, बट मैंने यूज किया तो मुझे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। तो ग्रीन चिली और ऑनियन का पेस्ट बना लेंगे। ये है बिरयानी राइस, केरला में इसी का बिरयानी बनता है। तो इसको मैंने 2 बॉल बिरयानी राइस को लिया है और उसे धुल कर अच्छी तरह से रख दिया है। अब चलिए चिकन के लिए 4 प्याज और कट कर लेंगे और इसे फ्राई करेंगे। केरला में इसी तरह का बिरयानी मिलता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं तो पहले बिरयानी खाती भी नहीं थी, बट यहाँ का बिरयानी जब से खाई हूँ मुझे इतना पसंद आया कि मेरा फेवरेट हो गया है बिरयानी। आए दिन मैं बनाते रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है इधर का बिरयानी। और इसे फ्राई कर लेंगे, फिर इसमें हम चिकन को डाल देंगे। चिकन नहीं, मसालों को पहले, ये जो मैंने पेस्ट बनाया था इसको पहले डाल लेंगे। ये जो छोटे ऑनियन और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट, इसको डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, जिससे कि हमारा तीखा नहीं होगा चिकन और कलर बहुत अच्छा आएगा। और जैसे कि मैंने पहले भी 3 ग्रीन चिल्ली पीस रखा है, तो और बच्चे ज़्यादा खाते नहीं तो मैं ज़्यादा मिर्च डालना पसंद नहीं करती हूँ। और इसमें थोड़ा सा जाएगा हल्दी, 1 चम्मच धनिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हल्दी थोड़ा ही डलेगा क्योंकि चिकन इधर का बिरयानी वाइट वाइट सा दिखता है। और ये देखिए, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ऐसा मैंने एक रेस्टोरेंट में खाया था और मुझे बहुत पसंद आया था फ्रेंड। फिर मैंने ट्राई किया बनाने के लिए और यकीन नहीं मानेंगे आप कि बिल्कुल वैसा ही बना था, और बहुत ही ज़्यादा मेरे बच्चे को भी बहुत पसंद आया। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको वीडियो दिखाया उसका, कि वो बहुत खुश हो गई बिरयानी देखकर। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। अब एक तरफ हम चावल की भी तैयारी कर लेंगे पकाने की। तो मैंने पतीला को रखा है गैस पर और पहले कुछ खड़े मसाले को रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से वो चावल में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, और इधर भी देखते रहेंगे हम। तो मैंने एक कटोरी दही को अच्छी तरह से फेंट कर रखा था और इसमें कुछ मिंट और धनिया का पत्ता को डालेंगे, पुदीना और धनिया का पत्ता थोड़ा थोड़ा, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। और धीरे धीरे हम इसे फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें हम चिकन को ऐड करेंगे। साथ ही साथ इधर चावल की भी तैयारी करेंगे, और इसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे, देसी घी, टेस्ट अच्छा आता है देसी घी से। और फिर इसमें हम पानी को ऐड करेंगे, और जैसे कि हमारा 2 कटोरी चावल था तो 4 कटोरी पानी डालेंगे, और हमारा चावल उसी में बिल्कुल खिला खिला बनकर रेडी होगा। मीडियम फ्लेम पर ढककर हम इसे छोड़ देंगे एक बार इसे चलाकर, और देखना हमारा चावल ना ही गीला होगा और ना ही वो ज़्यादा टाइट रहेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा ये राइस। और ये छोटे छोटे चावलों का भी बिरयानी बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसे हम ढककर मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे, ये पकता रहेगा। और इधर चिकन, अब चलिए अब चिकन डालते हैं।
देखिए अब इसका कलर आ गया है हमारा, मसाला फ्राई हो चुका है। अब चिकन को धीरे धीरे फ्राई करेंगे, इसे पकाना है और थोड़ा सा जब ये फ्राई हो जाए तो हाफ कप पानी डालकर इसे ढककर 10 मिनट छोड़ देंगे। हमारा चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, पक जाए, फिर इसका हम लोग यूज करेंगे बिरयानी के लिए। तो ये देखिए हम इसे ढक ढक कर पका लेंगे। मैं जितना हो सके शॉर्ट ही वीडियो लाती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ये देखिए एक टमाटर को ऐड करेंगे, टमाटर ऑप्शनल है बट डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो आप ज़रूर डालना। और ये देखिए इसमें हल्दी ज़्यादा नहीं डलता है, इधर का बिरयानी बिल्कुल वाइट वाइट सा दिखता है। ये देखिए हमारा चावल कितना ज़्यादा खिला खिला बनकर रेडी हुआ है और चिकन को भी हम अच्छी तरह से पका लेंगे। देखिए अब ऑयल निकल गया, हाफ कप पानी डालकर हम इसे, देखिए हमारा चिकन पक गया है। थोड़ी देर के लिए एक चम्मच इसमें बिरयानी मसाला डालकर कुक कर लेंगे और फिर इसमें चिकन में, इसमें चावल में हम ऐड करेंगे चिकन को। हाफ चावल क्या करेंगे, ऊपर से हम निकाल कर रख लेंगे और बीच में चिकन डालकर फिर उसके ऊपर चावल डालूँगी। फिर ये देखिए हमारा चिकन बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसमें डालूँगी मैं चिकन को और ग्रेवी को, दोनों को डालकर फिर इसके ऊपर चावल डालूँगी, फिर एक लेयर में चिकन का डालूँगी। ये देखिए और ये इतना ज़्यादा गजब का बनकर रेडी हुआ था, एक बार आप बनाएंगे तो बोलेंगे वाह ये मैंने पहले क्यों नहीं ट्राई किया, इतना ज़्यादा अच्छा बना था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। सेकेंड लेयर में हम ये जो मैंने ऑनियन को फ्राई करके रखा था ये डाल दूंगी, थोड़ा सा धनिया पत्ता और पुदीना डालेंगे, फिर इसके ऊपर एक और लेयर चिकन का। वो मैंने चावल को डाल दिया, अब इस चिकन को भी डाल देंगे जो हमारा रेस्ट बचा है चिकन। ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुआ था फ्रेंड्स, मैं फिर से ट्राई करूंगी इसको, फिर से बनाऊंगी घर में। मुझे बहुत ही ज़्यादा ये बिरयानी पसंद आया, मैंने जब खाया था होटल में तो मेरा बहुत मन किया बनाने का और बिल्कुल आप विश्वास नहीं करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम बना था। और इसके ऊपर धनिया पत्ता, पुदीना, जो मैंने काजू किशमिश फ्राई करके रखा था, ऑनियन फ्राई करके रखा था, सबको डालकर ढककर आटे का लेयर चारों तरफ से लगा के दम लगाएंगे गरम तवे पर। तवे को पहले गरम कर लेंगे, फिर मीडियम फ्लेम पर इसे 20 मिनट तक हम छोड़ देंगे। ये देखिए तवा हॉट तवा रहेगा, फिर इसे मीडियम फ्लेम पर हम छोड़ देंगे। ये देखिए चारों तरफ से ढककर। अब चलिए इसके लिए चटनी बनाएंगे। ग्रीन चिल्ली है, कड़ी पत्ता है, लहसुन है और नींबू का रस भी मैं डाली हूँ और नारियल, सबको पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, ऊपर से नींबू का रस और नमक डालकर उसे मिक्स करेंगे। ये चटनी इसके साथ ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और मैं इसके साथ एक रायता भी बनाऊंगी, रायता का वीडियो मैंने शेयर नहीं किया है बट इसके साथ मैं बनाई हूँ, आपको मैं दिखाऊँगी वीडियो में छोटा सा क्लिपिंग में। और चलिए ये देखते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में भी और खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी है। और ये बिरयानी वाइट वाइट सा ही दिखता है, ज़्यादा येल्लो सा नहीं रहता और खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारा बिरयानी बिल्कुल स्टीम हो चुका है अच्छी तरह से और कितना खिला खिला चावल है, बिल्कुल भी एक दूसरे